तो भाई सबसे पहले मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि ये क्या चूतियापा है। माफ करना मैं इस चैनल पे इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन भैया ये बहुत ही वाजिब सवाल है कि ये क्या चूतियापा है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं किस रेफरेंस में ये बात कर रहा हूँ, तो शायद तुमने आज का मैच देखा ही नहीं है। मैं बात असल में इस बारे में कर रहा हूँ कि भाई कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया आज के मैच में। जो बंदा पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच बना है, उसे ही कहा कि भैया बाहर बैठो। और केएल राहुल जब टॉस के लिए आते हैं और भैया बिल्कुल सीना चौड़ा करके जब ये कहते हैं कि कुलदीप यादव आज का मैच नहीं खेलेंगे, तो रीजन क्या बताते हैं कि हमारे लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि कुलदीप यादव बाहर हो गए हैं, लेकिन हमें बड़े ही दुख के साथ इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि कुलदीप यादव आज का मैच मिस करेंगे। अरे मिस क्या करेंगे, तुमने बाहर निकाला है तभी तो नहीं खेल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यह बताया था कि अगर रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच के लिए फिट हो जाते हैं तो शुभमन गिल से कहा जाएगा कि भाई तुमने शतक मारा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन तुम अगले मैच से बाहर हो रहे हो क्योंकि रोहित शर्मा आ गए और मैं केएल राहुल मैं तो खेलूंगा ही। मतलब देखो, दो पल के लिए अगर शुभमन गिल बाहर कर भी दिए जाते तो भी मैं समझ जाता। मतलब कुलदीप यादव को बाहर कर दिया भाई, जिस बंदे ने विकेट भी लिए हैं और उसके बाद रन भी मारे हैं, जो मतलब असल में उसका काम नहीं था, बंदे ने वो काम करके भी दिया जब जरूरत थी वहां पे करके दिया, लेकिन उसी से कहा कि भैया तुमने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, इसी खुशी में तुमको टीम से ड्रॉप किया जाता है। और जैसा कि मैं पिछली कुछ वीडियो से लगातार कहता हुआ आ रहा हूं कि यही चीज सबसे खराब हो रही है इस समय इंडियन टीम में। जो बंदा भैया कुछ भी अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन अगर वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो लगातार टीम के साथ ट्रेवल करता है, अगर वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो लगातार टीम में खेलता है, अगर उसके पास भैया बहुत मैचेस दिखाने को नहीं है अपने स्टैट में, तो बिना किसी वजह के बहुत ही फालतू सा रीजन दिए उसको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। और जबकि यहां पे तो कोई रीजन ही नहीं दिया गया है, भैया बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कुलदीप या तो नहीं खेलेंगे, बस ये कह दिया गया है। और साला सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे ये सोच के आई कि अभी पिछले मैच जब कुलदीप यादव ने 5 विकेट हॉल किया था, उसके बाद जब उनका इंटरव्यू हुआ था, उसमें पता है उन्होंने क्या कहा था कि केएल राहुल तो भैया एक नंबर कप्तान है, उन्होंने तो मुझसे मैच शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि कुलदीप भाई आप दोनों मैच खेलेंगे ही खेलेंगे, जब तक मैं कैप्टन हूं आपको चिंता करने कोई बात ही नहीं है, आप तो खेलोगे ही खेलोगे। और भाई क्या चूतिया काटा है कसम से केएल राहुल ने कुलदीप यादव का। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का क्या कहना है कि जो कुलदीप यादव के साथ हुआ वो सही हुआ? आपका जो भी मानना है, जो भी आप सोचते हैं भाई, कमेंट में जरूर बताना। लेकिन चलो भाई, दुख भरी बात को कवर करने के लिए एक ऐसी चीज आज के मैच में घटी है जिसे सुन के तुम कसम से पागल हो जाओगे, जिसे सुन के भैया एक अलग ही तुम्हारे दिल में जो है ना वो खुशियां उमड़ पड़ेंगी। पर वो देखने से पहले आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे कि क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि जितने भी ये मैचेस होते रहते हैं इनको हम कहां पे लाइव देखें? कभी बिग बैश लीग होती है, इसे कहां देखें? कभी इंडिया का कोई मैच होता है, उसे कहां देखें? कभी भैया प्राइम पे मैच आ रहा होता है, उसे कहां देखें? तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है आईपीएल विन, जहां पे आप सारे मैचेस लाइव देख सकते हैं और देखते देखते वहां पे प्रेडिक्शन करके खूब सारे पैसे भी कमा सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए हुए मेरे लिंक से जाके वहां पे रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलेगा 101 रुपए का बोनस। उसके अलावा बर्थडे बोनस हो गया, डिपॉजिट बोनस हो गया, ऐसे कई प्रकार के बोनस होते हैं। तो बिल्कुल ही वेट मत करें, अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके आईपीएल पिन को चेकआउट करें, प्रेडिक्ट करें, मैच देखें और खूब सारे पैसे कमाएं। तो जैसा मैं कह रहा था कि भैया आज के मैच में एक ऐसी चीज भी हुई है जिसे देख के, जिसे सुन के, जिस पे अपनी नजरें टिका के आपका दिल कसम से बावरा हो जाएगा। और वो ये हुआ कि अगर आपने पूरा मैच लाइव देखा होगा, जो कि मैं जानता हूं कि भैया टेस्ट मैच चल रहा है तो बहुत लोग लाइव पूरा मैच नहीं देखते होंगे, लेकिन भाई मैच के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब केएल राहुल नहीं विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि केएल राहुल मैदान पे मौजूद नहीं थे, केएल राहुल मौजूद थे, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या होता है कि जितनी भी फील्ड लगनी होती है सब विराट कोहली लगा रहे होते हैं, और विराट कोहली केएल राहुल को बाउंड्री पे भेज देते हैं। उसके बाद जो भी टीम मीटिंग हो रही है, बॉलर को समझाना कह लें, बॉलर को कोई इंडिकेशन देना कह लें, कोई भी चीज वहां पर डिसीजन लिया जा रहा था तो वो पूरा का पूरा विराट कोहली ले रहे थे। मतलब अगर कोई मैचों को लगातार नहीं देखता हो, अगर किसी को ना पता हो कि विराट कोहली अब कप्तान नहीं है, तो कोई भी उस वक्त मैच को खोलता ना तो उसे यही लगता कि यही बंदा असल में कप्तान है। तो कसम से अगर आपने वो मोमेंट देखा होगा, अगर आपने पूरा मैच लाइव देखा होगा, तो कसम से एक अलग ही भाई नॉस्टैल्जिया हो रहा था मेरे को तो। और यहां पे पता है सबसे कमाल की बात क्या थी, जब विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे, जब विराट कोहली सारी फील्ड लगा रहे थे और विराट कोहली ने केएल राहुल से कहा कि भैया तुम बाउंड्री पे जाके लगो शांति से, तब पता नहीं अचानक से कैमरामैन जो है वो कैमरा सीधे राहुल द्रविड़ की तरफ करता है और राहुल द्रविड़ पता नहीं कंफ्यूज समूह वहां पे बना रहे होते हैं कि भाई
भाई ये विराट कोहली क्यों कैप्टेंसी कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भैया जो भी हो रहा था, जैसा भी हो रहा था ना वहां पे, कसम से देख के भाई मजा आ रहा था। बाकी जहां पे भैया बात आ गई है विराट कोहली की, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैच शुरू होने से जस्ट पहले जो विराट कोहली थे वो बांग्लादेश के कोच बने हुए थे, मतलब बांग्लादेश की मेन टीम के कोच नहीं बने हुए थे। असल में विराट कोहली जहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे वहीं पे बांग्लादेश की जो अंडर 19 टीम है वो भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रही थी। तो भैया वो टीम आती है विराट कोहली के पास, कहती है कि भैया आप इतने बड़े लेजेंड हैं, दो चार चीजें हमें भी सिखा दीजिए। और विराट कोहली भी कहते हैं कि भैया हम जितने बड़े कलाकार हैं, हम जितने बड़े प्लेयर हैं, उतने ही बड़े हम दिलदार भी हैं, तो बिल्कुल आपको सिखाएंगे। और लगभग आधा घंटा कोहली क्या कहते हैं उस पूरी टीम को वहां पर टिप्स देते हैं, बताते हैं भैया कैसे और तरक्की कर सकते हो, और इसीलिए भैया वो विराट कोहली बन जाते हैं। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, एक बात ये भी बताना, क्या तुमने ये मोमेंट देखा था जब विराट कोहली कैप्टेंसी कर रहे थे? अगर तुमने देखा था तो भैया कमेंट में जरूर बताना। और सेम टाइम पे जैसा मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि जो ये कुलदीप यादव को भैया ड्रॉप किया गया है, कसम से इस चीज पे तुम्हारी टिप्पणी क्या है, ये क्यों हुआ है और ये किस वजह से हो रहा है और इससे असल में क्या इंपैक्ट पड़ता है, जो भी तुम्हारा सोचना है भैया कमेंट में जरूर बताना। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है अंकित भंडारी, जो पूछते हैं कि भाई केएल राहुल 5 में से 1 मैच में 50 या 60 रन बनाकर अपनी जगह सेव कर लेता है और यंग सत्र की जगह खा जाता है, क्या अब केएल राहुल को टीम से बाहर निकालने का टाइम आ गया है? तो भाई देखो, जहां तक बात रही टेस्ट क्रिकेट की, तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपकी बात से एग्री कर सकता हूं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल की जो हिस्ट्री भी रही है वो कोई बहुत शानदार नहीं रही है। लेकिन जहां बात आती है T20 क्रिकेट की, जहां बात आती है खासकर वनडे की, तो मुझे पता नहीं कि उनका फॉर्म अभी कैसा भी चल रहा है। मुझे पता है कि भाई थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो वाइड बॉल क्रिकेट के एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। पता नहीं भैया, जब से इंजरी से लौटे हैं तब एक उनका अलग ही हाल हो रखा है, लेकिन इंजरी से जस्ट पहले भाई उनका हाल ऐसा नहीं था। और कहीं ना कहीं देखो, केएल राहुल की एज बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी फॉर्म में वापस नहीं आएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वाइड बॉल क्रिकेट में अगर केएल राहुल फॉर्म में आ गए, थोड़ा सा रिकवर हो गए, थोड़ा सा अच्छा करने लगे, तो कसम से इंडिया का फायदा ही है। और जो बात आपने कही कि 5-6 मैच में 1 में चलते हैं, हो सकता है ये टेस्ट में हो सकता है, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, लेकिन वनडे में ऐसा नहीं हुआ है। भाई बंदे ने परफॉर्म करा है, बड़ी टीमों के खिलाफ मारा है, बाहर भी मारा है, इंडिया में मारा है, वाइड बॉल क्रिकेट में बंदे ने सही में फोड़ा है भाई। 40-45 की बंदे की T20 में भी एवरेज है, वनडे में भी एवरेज है, जो ऐसी नहीं हो जाती भाई, और ठीक ठाक मैच बंदे ने खेले हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि वहां तो बंदे को देखो हमें मौका देना चाहिए, वहां बनाना चाहिए, सच में हमारे ही काम आएगा। टेस्ट क्रिकेट में अगर ज्यादा फ्लॉप होते हैं तो वहां पर फिर भी भैया कुछ सोच सकते हैं। बाकी सवाल कमाल का था, आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि क्या भैया जो कुलदीप यादव के साथ हुआ है कुछ ज्यादा ही गलत नहीं हुआ है, आपका जो भी कहना है भैया कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, पता है ना क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी का, फटाक से जाइए फॉलो करिए, जो मन में सवाल है डीएम करिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, भाई बेहतरीन काम चलता है वहां पे, बिना कुछ सोचे उसको ज्वाइन कर लो, मस्त अपडेट, हट के अपडेट आती है, गिव अवे होते हैं, बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं, सब एकदम फ्री में, एक पैसे का कोई भुगतान नहीं करना होता है, सिर्फ पैसा वहां पे मिलता है, प्राइजेस मिलते हैं। तो फटाक से जाके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और उसके अलावा भैया डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मौजूद है आईपीएल विन का, फटाक से जाइए, कोई भी गेम फ्री में देखना है वहां पे देख सकते हैं, देखने के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं, तो अभी जाके उसको चेकआउट करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।